अपने भक्तों को जप व ध्यान की विशेष बातें समझाने वाले ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू कई बार सत्संग में अपने साधकों का ज्ञान प्रद मनोरंजन भी किया करते हैं। एक भगत के घर में चार चोर घुसे, चार जूने जमाने के खेड़ू टाइप के बड़े बड़े लंबे मकान, एक कोठी हुई अनाज भरवानी, बीजी कोठी हुई कहीं भरवानी, ये सब छान मारा, उसमें तो कुछ मिला नहीं। तीसरे कमरे में गए तो वहां तो देखा कि बड़े गणपति जी की मूर्ति, समझ गए हाँ ये भगत है, गणपति जी के इतना मूर्ति बनाया, इतना पेट है, इसी में रखे होंगे जो कुछ माल है। तो गणपति जी तो बड़ी मूर्ति, तो कान भी बड़े बड़े, या अल्लाह करके हाथ डाला तो अंदर तो बिच्छू बिच्छू के ढेर थे, बड़े बड़ी मूर्ति थी तो बिच्छू था, तो बिच्छू काटा। आप सोचा मैं बोलूंगा बिच्छू काटा है तो दूसरे खाली रह जाएंगे, इनको भी मजा मिलना चाहिए। तो बोले हा क्या ठंडक है, हिमालय किसी ठंडक ठंडक। दूसरे ने कहा या अल्लाह, उसने देखा कि इसने तो हमारे को उल्लू बनाया तो ये दो क्यों बाकी रहे। उसने भी ये कहा हा फ्रिज की बर्फ तो कुछ नहीं, हा तो भी हाथ डाला वे ना। उसने भी कहा खुदा खैर करे बंदा लहर कर, हा क्या खुदा ने खैर किया, अरे भाई तू भी कर ले 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 अपना कुछ। तीसरा तीन दिन डाला, चौथा बोले जय शंकर। हम चोरों की कोई जात नहीं होती स्वार्थ की, तीन थे खुदा बख्श तो चौथे थे जय शंकर वाले डाला। आ बहुत मजा आया, क्या गजब का, क्या ये संसार ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, आहा बहुत मजा आया, कर ले शादी, कर ले नका कर ले, मुसलमान बोलेगा नका कर ले, हिंदू बोलेगा शादी कर ले, बहुत मजा है। अब मजा है तो पच रहे हैं टप रहे हैं, अरे भाई बैंड बाजे में दूल्हा दुल्हन को हिप्नोटाइज कर ले, दुल्हन को अपनी सहेलियां माइया हिप्नोटाइज करते, अब तो तू लाडी बन रही है, हम तो झक मार के बैठे, अरे बहुत मजा है, ये मेहंदी रची है, ये गहने गांठे पहरे, दुल्हन को भी पटाते हैं उसकी सहेलियां, दूल्हा को भी पटाते उसके यार, आहा अरे शादी करने जा रहा, और फिर वो आहा करके दूसरों को भी बोलता आहा, सब वही कर रहे। जूनागढ़ में गिरनार है, गिरनार गिरनार की तलेटी में दूर दूर पर कहीं गांव है, तो दूर 10-5 कोस दूरी पर कहीं कमाने गया था। वो जमाने में चांदी का खड़खड़िया देते 1 रुपया रोज का, आज 1 रुपया बराबर 100 रुपये हो गए। तो नोट नहीं थी नगद, जब वो 4-6 महीने का अपना रोजी कमा के आ रहा था तो पोटली बन गई बात है, और फिर कमाई करके आ रहा है तो जूता भी लिया चर्राटा छाप चाले, तो चे 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 पहला भरवार लोग को पहरन बूट, अथवा जमानामा पटेलों में पहरता चाले, इतले बूट चिल्लावे चे चे चे, तो चर्राटे लेते हुए गुजर रहा था गिरनार की तलेटी से, तो रीछ ने देखा चे चे इसकी पोटली में कोई माल हो, तो कहीं घाटी से रीछ दौड़ा, और रीछ तो यूं खड़ा होके वार करे, तो वो जो वार करने गया तो वो आदमी भी मजबूत था समझदार था कि रीछ जब वार करे तो उसके हाथ पकड़ लेने चाहिए, नहीं तो मार डालेगा, उसके नाखून नहीं पकड़ने, कलाइयां पकड़नी, कलाइयां पकड़ी तब तक तो ये पोटली तो फट गई, रुपए गिरे, बचाओ बचाओ, तो वो ऊपर पहाड़ी पे कोई हंस रहा है कौन मरने को आए। फिर उसने युक्ति सूझी कि अरे बचाओ बचाओ क्या, अपनी संपत्ति बचाओ, हम हिला रहे हैं रीच को और ये पैसे निकाल रहा है, जहां रीच को डबल करना होता है वहां से पैसे डबल में निकाल रहा है, समझ गए ना, डबल यहां उस जगह से पैसे निकाल रहा है, मैंने गिराए अब तुम्हारे को गिरवाने तो गिराओ, गुजराती भाषा में क्या, मैं तो अगाड़िया रुपया तुम्हारे अगाड़वा तो आई जाओ, तो पहले रीछ ने हलाओ तो जाते पहले रुपया गढ़वाए बीचो,
उसने जान छुड़ाने के लिए ऋषि उसको पकड़ा दिया और जो कुछ चुनना थे बाकी छोड़ के भागा। अब वो फंस गया बुरी तरह, वो तीसरे को ढूंढा है कि आई जाओ भाई आई जा, रुपया फाड़े छे रिच। तीसरा चौथे को पकड़ा रहा है, रिच रुपया निकाल रहा है, डबल में रिच रुपया निकाल रहा है। रुपया तो क्या निकाल रहा है, अपनी जान छुड़ाने के लिए फंसा रहे। ऐसे परदादे के परदादों ने हमारे दादों को कहा बेटा तू तैयार हो जा, बधू संभाली ले, आशा मजा छे, दुकान छे, घर छे। हम सासु बहू को बोलते बेटी अब तू संभाल ले, अब तू घर संसार संभाल ले, हम थक गए इस रिच से, अब आ जा बहू तू आ जा, बेटा तू आ जा। सब एक दूसरे को संभला संभला के फंस होके जा रहे। बोलो इसमें कहीं कचास दिखती है, ये दृष्टांत फिटो फिट बैठता है। हा हमने मजा लिया, अभी ये बाकी क्यों रहे। रिछड़ू पकड़ा है बता, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार बिन भूला है कि गोरखा जिसको गुरु का आधार के रिछ पकड़ने जैसा नहीं भाई, वो गणपति के कान में हाथ डालने जैसा नहीं। आ तुम मजे लो, हमको नहीं लेना है, हम तो गुरुद्वार जाएंगे, तुम ले लो मजा, आहा हा हा करो, दारू पियो आहा हा हा, लगन करो आहा हा हा, लेकिन बाद में अंदर से आहा क्या हो रही है हमको पता चल गया, तब तो कहीं बचेंगे, नहीं तो भाई संसार की वासना तो तोबा कर। ईश्वर की इच्छा मात्र से शांति और सद्गुण आने लगते, और संसार की इच्छा मात्र से अशांति और दुर्गुण आने लगते। ओम शांति 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 शांति।